पुनर कृषक उत्ताल करिसे राजधानी दिल्ली जंतर मंतरत जलिसे कृषक विद्रोह अगणि गोट खाले केबाखनो राज्यर ह ह कृषक दिल्लीत आको कृषक विद्रोह आरक्षी निरापत्तारक्षीर अभेद्य दुर्ग भेदी आको दिल्लीत प्रवेश करिले प्रतिबादी कृषके जंतर मंतरत केबाखनो राज्यर ह ह कृषके सब्यस्त करिले प्रतिबाद संयुक्त किसान मोर्चा आप देख सकते हैं यहाँ जंतर मंतर पहुंच गए हैं। यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाए हुए थे और इस बैरिकेडिंग को जो है वो गिरा दिया गया है, तोड़ दिया गया है और यहाँ पर 4 से 5 हज़ार की संख्या में जो किसान हैं वो मौजूद हैं और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी भी आ रहे हैं। यहाँ पर पूरे बैरिकेडिंग्स लगाए गए थे, सिक्योरिटी को जो है वो बढ़ाया गया था। ये प्योर किसान है, कभी बोलते थे ये राजनीतिक लोग है, इनमें एक भी राजनीतिक लोग नहीं और ना ही राजनीतिक लोगों को हम घुसने देंगे। आरक्षीर बेरिकेड भांगी ह ह कृषके उत्ताल करि তুলিলে जंतर मंतर। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस महापंचायत को बुलाया गया था, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भारी संख्या में किसान पंजाब से और अलग अलग जगहों से जंतर मंतर पहुंचे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या है कि लगातार यहां पर ये किसान पिछले 10 मिनट से लगातार यहां पर इनकी जो लाइन है वो लगातार बनी हुई है और लगातार यहां पर जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। क्या क्या मांग है आपकी भाई? क्या मांग है? साढ़े बिल दुआरे लागू कर रहे हैं जी, उदे वास्ते उदे विरोध च हैं जी। किसान अग्गे पहला मरिया पिया। आज किसान महंगाई से परेशान है, कृषि को एकदम इन लोगों ने खत्म कर दिया है। महंगाई इतनी कर दी है, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे जो भी पोटास हो, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसका डबल 3 गुना भाव बढ़ा दिया। गैस सिलेंडर या जितनी भी महंगाई है वो चरम सीमा से ऊपर है। आरक्षी प्रतिबादीर हताहतिर मजते आतक हल बहु प्रतिबादी कृषक। ভাৰতীয় কিষাণ ইউনিয়নকে ধৰি কেইবাটাও কৃষক সংগঠনৰ দেশৰ ৰাজধানীত মহাপঞ্চায়ত। কৃষকৰ প্ৰতিবাদ ৰোধ কৰিবলৈ দিল্লী সীমান্তৰ সিংহু টিকৰি ঘাজিপুৰ প্ৰৱেশ পথতেই গঢ়া হৈছিল অভেদ্য নিৰাপত্তা বেষ্টনী। দিল্লীকে সবি বৰ্ডাৰ এলাৰ্ট কৰি আপ দেখ সকতে হে ये नोएडा दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर है और यहाँ पे भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। দিল্লীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ বাবে বিভিন্ন স্থানত যানজঁটে জলাকলা খোৱালে সাধাৰণজনক। প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দাবী ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ যথাযথ কাৰ্যকৰীকৰণ হওক, কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে কৰা প্ৰতিবাদৰ ৰুজু হোৱা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰক। ইয়াৰ লগতে চৰকাৰে দেশৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান নকৰাক লৈও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৃষক সংগঠনকেইটাই। 378 দিন বাদ জব আন্দোলন স্থগিত হোৱা থা তো চৰকাৰে হমক 5 बिंदुओं पर लिख के वचन दिया था कि ये मांगे पूरी करेंगे हम। उसमें मुकदमे वापसी है, मुआवजा राशि है, MSP गारंटी का कानून है, बिजली बिल है, ये तमाम चीज़ें थी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें हमने लखीमपुर खीरी भी जोड़ा है और 2 मांगे हमारी हैं, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम, यानी देश के किसानों को C2+50 के हिसाब से MSP गारंटी का कानून बनाया जाए और ऋण मुक्त किया जाए। इफले देवबारे दिल्लीत महापंचायतत भाग लबलै आही घाजीपुर सीमांतत आतक हय कृषक नेता राकेश टिकत। अवश्य परवर्ती समयत एरि दिया हय टिकतक। न्यूज डेस्क, न्यूज 18 অসম নর্থ ইস্ট।